हम लोगों की समस्या ये है कि विगत वर्षों से हम लोगों की अगर कापी चेक होती थी उसमें गड़बड़ी कोई पाई जाती तो पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया थी, जिसमें हम लोग पास हो जाते थे जब दोबारा कापी चेक होती थी। इस बार निश्चित प्रशासन ने क्या किया है कि उस प्रक्रिया को बंद कर दिया है बिना किसी नोटिस के, और जिसके लिए इन्होंने इस बार कापी चेक में बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। 15 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों को एक एक दो नंबर दिए हैं, ये उसके सबूत हमारे पास है। ये हम लोगों की कापियां मिल गई है जो की कापियों में पूरे पूरे नंबर है। 15 नंबर के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दो दो एक एक नंबर वो दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में जब यहाँ यूनिवर्सिटी के पास बात करो कि पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया चालू कराओ, तो हम लोगों को भगा दे रहे हैं। कोई भी बात सुनने को यहाँ तैयार नहीं है। हम लोगों की ना कापियां आ रही है, ना रिजल्ट टाइम से घोषित किया जाता है। सेशन दो दो साल लेट चल रहा है बीएमएस का। हम लोग 2016 बैच से हैं और 2023 चल रहा है, अभी तक भी रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है यहाँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि ये आप देख लीजिए कि एनसीआईएसएम का नोटिस आया है कि जो भी है पुनर्मूल्यांकन रिवोल्यूशन की प्रक्रिया थी उसको आप बैन किया गया है, लेकिन साफ साफ नीचे उन्होंने इस पर लिखा है अक्षरों में कि यह व्यवस्था 2021-22 से लागू की जा रही है। लेकिन इन्होंने इस चीज को भी, भारत सरकार की नोटिस को भी मान्यता नहीं दे रहे हैं, और ये यूनिवर्सिटी जो है उसके भी ऊपर अपने को बताने की कोशिश कर रही है, जो कि हम लोगों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। और हम लोग इस समय इस परिस्थिति में है कि कुछ भी करने को बिहार में ऐसा फैलाया जाए कि आयुष के साथ हो रही इस व्यवस्था को सुचारू चालू करके उनको न्याय दिलाया जाए और हम लोगों के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया पुनः से चालू करवाई जाए। अपना परिचय दे दो। मेरा नाम अतर सिंह है, मैं बैच 2016 का छात्र हूं, श्री बाबू सिंह दद्दू जी और वेदिक मेडिकल कॉलेज से। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग पहले बैठा है, 3 दिन के अंदर हम उस पर विचार करेंगे और पंचायत समिति वगैरह बुला के निर्णय कराएंगे। ये बात हुई, आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, 3 दिन के अंदर आपको बताया जाए। 3 दिन के लिए सर, हम लोग आते हैं, हर बार यही बोला जाता है, हर बार यही बोला जाता है, हर बार यही बोला जाता है। सर ऐसे टाइम बहुत ज्यादा हर बार यही आता है, ये रहा था वो पूरा पापा नीचे नहीं आके बना के रखे हैं, जब अधिकारी वार्ता कर रहे हैं आप लोग थोड़ा पंचायत में नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो यार जब इसी सामने 25 कापी आप दीजिए, 25 कापी हम दूंगे, क्यों दें? आप तो करो, हम लोग का सीसीआईएम नहीं है, लेकिन इसके लिए प्लेटफॉर्म बने होते हैं, तरीके नहीं होते हैं, प्लेटफॉर्म हम लोग क्या काम करा चुके हैं ताकि आप वहां से जाएं। उसी से आप चैलेंज करिए ना इसको, कौन सा पेपर ये बताइए चैलेंज बंद हुआ है वो हमको आपको दिखा दीजिए, नोटिस दिखा दीजिए, उसे क्या दिक्कतें होती हैं? ये तो आता है नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
वो वाली नोटिस लगाओ यार, वो वाली नोटिस कहाँ है ना सीएम वाली, किसके पास है? मास करते ही कहाँ है, मास नहीं करते बताओ। नहीं होगा तो आप बाहर तो जा नहीं रहे हो, मैं तो कर नहीं रहा हूँ। आप जो चीजें हैं वो आके बता दिया आपको, आप जो उन्होंने बरवली मुझसे कह दिया सबने सुना, उसी आप लिखित मांग रहे हो तो लिखित के लिए पहले आप अपनी बात दोगे तो क्या मतलब दो आप ठीक लिख के दे दो सर जी, लिख के दे दो पूरा और जो भी आपके जो आपने कहना बाइस के पहले कमिटमेंट है वो आपने दे दीजिए, ऊपर जो है लगभग सहमति करनी पड़ेगी तो वो तीन दिन के अंदर आपको जो है वो निर्णय आपका डिसीजन कर लेंगे। आपको जो है उन्होंने मतलब बाइक मैसेज आपने रिकॉर्ड भी कर लिया है, एक आप प्रत्यावेदन सुन लीजिए पहले, लेकिन आप चाह रहे हैं आप प्रत्यावेदन अपना दे दीजिए, एक प्रत्यावेदन देंगे उसी के प्रत्यावेदन आपको जो है रिटर्न मिल जाएगा ठीक है। तो आपने जो है प्रत्यावेदन बना लिया, उसके बाद जो है आपको जो है वो रिटर्न जो है आपको दे देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार गौतम है, मैं फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज से श्री बाबू सिंह आर्मी की मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट हूँ। हमारा विषय जो था वो पुनर्मूल्यांकन चुनौती के लिए था। आप लोग सीएम जेएम यूनिवर्सिटी आए हैं, क्या कारण है? सर हमारा विलियन से पुनर्मूल्यांकन चुनौती के लिए इंप्लाइसन रिचिंग कॉपी करवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया है कि गवर्नमेंट का ऐसा कोई आदेश नहीं है, आदेश है उसकी सफाई बेच के लिए लागू किया गया, ना कि पुराने बेचों पे वो लागू होता है। अच्छा, अभी क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन मिला है, उन्होंने हमें थोड़ा सा टाइम दिया, उन्होंने कहा इसके लिए विचार करते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है अच्छा इंटरेस्ट आदमी। अच्छा, इसके अलावा कितने छात्र लगभग रहे हैं? एकदम 250 छात्र आए, और इस बार नहीं हुआ फिर से ज़्यादा संख्या में फिर हम लोग आएंगे, आंदोलन फिर करेंगे। कितने स्कूलों के छात्र हैं यहाँ? यहाँ तक 4 स्कूलों के छात्र हैं, मेजर एसडी यूनिवर्सिटी और श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, श्री बाबू सिंह रद्दी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अनार सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। अच्छा, आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी? आश्वासन मिला कि हम कार्रवाई करेंगे, हमें 3 दिन का टाइम दिया गया, इसके बाद नहीं होगा फिर हम आके यहाँ पे आंदोलन करेंगे, इससे बड़ी संख्या में आके करेंगे। थैंक यू। सर अपने सर हमारी मांग है जो चैलेंज बंद किया गया, क्यों बंद किया गया? लिख के पांच बार
चौबीस मिनट को अच्छे तरीके से चलाता हो, पांच व्यक्ति मेरे साथ चलो, वो पांच व्यक्ति पांच बार जा चुके हैं, पांच व्यक्ति पांच बार जा चुके हैं, वहां से भगा दिया जाता है, बात कुछ नहीं होता है। बातें तो सुनोगे।